दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इल्जमाम मुलक ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है इल्जमाम मुलक ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ले तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच लीड्स के हेनिंगले मैदान पर खेला जा रहा है। मैच के पहले 2 दिन टीम इंडिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। इंग्लैंड दौरे पर पहली बार विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले लिया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने इसके बाद भारतीय बैटिंग लाइनअप की ऐसी बैंड बजा दी कि हर कोई बस देखता ही रह गया। टीम इंडिया पहली पारी में महज 78 रन पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के फैसले की खूब आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इल्जमाम मुलक ने भी उनको खरी खोटी सुनाई है। इल्जमाम मुलक ने अपने YouTube चैनल पर कहा है कि इंग्लैंड वही टीम है जिसे आपने कुछ दिनों पहले ही हराया है। चौथी पारी में ड्रॉप पिच पर आपने उनके बैंड बजा डाली, आपने उनके बल्लेबाजी को तबाह कर डाला। अगर आपने ये टॉस जीता था तो आपको उनके बल्लेबाजों को फिर से दबाव में डालना चाहिए था। 2 घंटे विकेट में नमी का फायदा उन्होंने उठाया। मैं यह नहीं कह रहा कि अगर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की होती तो वो 78 पर ऑल आउट हो जाती, लेकिन इतना बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाते। भारत के 78 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 8 विकेट पर 423 रन बना लिए हैं। इल्जमाम ने भारतीय बल्लेबाजों की आलोचना करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कभी प्रेशर बना ही नहीं पाए। एक क्रिकेटर के तौर पर पिच कैसी भी हो, लेकिन अगर आप 20 से 25 बॉल खेल लेते हैं तो आपकी आंखें और हाथ सेट हो जाते हैं। आपको इसके बाद कुछ जोखिम उठाने पड़ते हैं, जैसे रोहित शर्मा 105 गेंद खेलकर भी सेट नहीं हो पाए थे। आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और अपने शॉट्स खेलने होते हैं। विराट कोहली भी रुके लेकिन 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो दोस्तों ये थी भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से जुड़ी एक ब्रेकिंग अपडेट। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।